खेती में केवल जीव को पार्जन होता है कुछ बचता वचता नहीं है है ना ले दे के सब बराबर हो जाता है सिंचाई के लिए तो बहुत परेशानी है हम लोग के यहाँ छोटा सा डैम है जगदमा डैम वो सीजनल जैसे है बारिश हुई तो डैम भर गया और बारिश नहीं है तो अधूरा तो पानी नहीं है डैम में पानी नहीं है तो फिर बोरिंग पर डिपेंड करना पड़ता है नहर भी शुद्ध नहीं है बाहा कहीं नहीं नाली भी कहीं नहीं है डीजल जो है बढ़ रहा है दाम उस ट्रैक्टर का भाड़ा बढ़ रहा है इसमें तो थोड़ा सा परेशानी है जो हम लोग एक हज़ार रुपया एकड़ जोतवाते तो थे आज पंद्रह सोलह सौ रुपया एकड़ हो गया थे अभी हम बिहार के कैमूर ज़िले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं पूरे कैमूर डिस्ट्रिक्ट को राइस बॉल ऑफ बिहार भी कहते हैं तो हम यहाँ पे आए हैं चूँकि ये पूरा इलाका फ़ार्मर्स डोमिनेटेड एरिया है खेती इस पूरे ज़िले की खेती यहाँ पे सेंटर्ड है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे किसान रहते हैं आ, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे लोगों की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो फार्मिंग है किसानी है खेती है कृषि है तो हम यहाँ पे आए हैं उनके मुद्दों को जानने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मर्स न्यू फार्मर्स बिल बनाया है उस पर लोगों का क्या कहना है क्या इश्यूज़ है और क्या ये उनका जो आ, किसानी का मुद्दा है ये चुनाव का मुद्दा बन पाएगा या नहीं क्या क्या उगाते हैं आप ये धान गेहूँ हल्का फुल्का थोड़े बहुत चना। हाँ। ग्रेजुएशन करने के बाद खेती में ही हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा क्या लगता है आपको खेती फायदे का धंधा है कि लॉस का धंधा है खेती में केवल जीवकोपार्जन होता है कुछ बचता वचता नहीं है ना ले दे के सब बराबर हो जाता है अच्छा अभी तो फिलहाल देख रहे हैं कि हम लोग लगा दिए और जिसमें मतलब कैसा होगा कैसा प्रोडक्शन होगा इसका हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं है ना? मतलब कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा चुनाव तो आ गया चुनाव में जितने नेता लोग हैं सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि हमें हम ये करेंगे वो करेंगे अगला सरकार आएगी तो आपका ये भलाई करेगा किसानों का जैसे मलगुजारी रेट या नहर या रोड कोई हर जगह रोडों का भी परेशानी है हम लोगों के यहाँ गली का भी परेशानी है और किसानों को तो पानी का भी परेशानी है सिंचाई के लिए तो बहुत परेशानी है हम लोग के यहाँ छोटा सा डैम है जगदमा डैम वो सीजनल जैसे है बारिश हुई तो डैम भर गया और बारिश नहीं है तो अधूरा तो पानी है नहीं है डैम में पानी नहीं तो फिर बोरिंग पर डिपेंड करना पड़ता है कोहिरा डैम जो है हाँ। इससे जो पानी आता है नहर में हाँ। तो नहर के साइड का ही अपासी होता है जो उसके ऊंचा पर खेत है उस पर नहीं चढ़ पाता है पानी हाँ। तो कैसे लोग ऊंचा पे ले जाते हैं तो ऊंचा पर अपना बोरिंग कराते हैं ऊंचा पर अच्छा। बोरिंग कराते हैं डीजल पंप से पानी देते हैं अगर लेयर भाग गया तो वो भी पानी नहीं मिलेगा अच्छा जब डैम में पूरा पानी रहेगा तो लेयर रहेगा नहीं रहेगा तो इसमें भी नहीं रहेगा लेयर भी भाग जाता है अब बहुत जमीन ऐसा है हम लोगों का कि ना नहर है और न बोरिंग है देखिए क्या है कि हम लोगों को मतलब कृषि में जुताई के लिए मतलब काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है किसी तरह से हम लोग इतना बड़े किसान तो है नहीं हम लोग हम लोग छोटे मोटे किसान हैं और जुताई इतना महंगा हो गया है कि हम लोगों को मतलब किसी तरह से कृषि कर देते हैं वही बहुत बड़ी बात है कैसे महंगा हो गया जुताई डीजल महंगा है तो जुताई महंगा होगा ही हुँ। 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 तो इसलिए और बात रही सिंचाई की तो सिंचाई में हम लोग ऐसे जगह स्थित हैं कि हम लोग के यहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं है अगर बिजली लाइन ना रहे मोटर ना रहे तो हम लोग को कृषि मतलब जुताई से लेके और सिंचाई कोई भी हम लोग का मतलब वक्त से नहीं हो पाता है अच्छा। हाँ अगर पानी लगाते हैं तो गाड़ी के अभाव में हम लोग का मतलब पानी सूख जाता है अच्छा हाँ। गाड़ी के में मतलब गाड़ी टाइम से नहीं आता है कौन सा गाड़ी ट्रैक्टर जब हम लोग का नहीं आ पाता है हाँ। तो हम लोग का समझिए कि फिर से सिंचाई भरना पड़ता है जस जस डीजल डीजल जो है बढ़ रहा है दाम उस ट्रैक्टर का भाड़ा बढ़ रहा है इसमें थोड़ा सा परेशानी है जो हम लोग एक हजार रुपया एकड़ एक जोतवाते तो थे आज पंद्रह सोलह सौ रुपया एकड़ हो गया अब बीज जो है हम लोग सौ रुपया से नीचे मिलता नहीं है किलो तो बोरिंग में पहले हम लोग डीजल पंप से खेती करते थे लेकिन अब धीरे धीरे डीजल पंप कम हो गया है लाइन का कुछ व्यवस्था हो गया तो लाइन में भी बहुत प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक हाँ। बिजली हाँ। हाँ। तो उसमें भी प्रॉब्लम यह है कि एग्रीमेंट करा दिए एक साल हो गया एग्रीमेंट किए हुए आज तक न पोल गड़ा ना बिजली गड़ी न लाइन उसका वायरिंग हुआ तो हम लोग बांस बल्ले पल्ले करके ऐसे जैसे करके मतलब अपना मोटर कनेक्शन करके चलाते हैं भरते हैं उसी में कुछ लोकल आ गया तो हुफा भी करता है ऐसे नहीं वैसे है ये दो नंबर का ये जबकि उसके रिकॉर्ड में हमारा एग्रीमेंट है और बार बार मैंने जैसे से भी मिला कि आप क्यों नहीं करते हैं हमारा एग्रीमेंट है तो आप हमारा पुल गाड़ दीजिए सब कुछ कनेक्शन करिए लेकिन हाँ आप कर रहे हैं तब कर रहे हैं पोल गिरने दीजिए मतलब एक आध साल से भी ज़्यादा बीत गया हमारे यहाँ बांध है जो बहुत छोटा है बहुत पहले से लोग कह रहे हैं कि लोडसी तोड़ा जाएगा और लोड़सी टूट नहीं रहा हम मतलब जब से नीतीश सरकार आई है पंद्रह साल से हम सुन रहे हैं कि लोरसी तोड़ा जाएगा क्या है नदी है हाँ यही एक पहाड़ है इस बांध के उस पार हाँ. एक पहाड़ है जो उसको तोड़ना है अच्छा ताकि उसका पानी इस इस बांध में आ जाए ठीक वो नहीं टूट पा रहा है आज हुँ। तक हुँ। और इसमें इतना इतना इस समय इतना, इतना बारिश नहीं हो रहा है कि बांध भरा इस समय जाकर देख लीजिए बांध में कितना पानी है दो दिन या तीन दिन चलेगा बांध का पानी और गेहूं का सिंचाई तो गया धान तो किसी तरह हो जाएगा यही समस्या है कब से वो जो नया पहाड़ लोरसी पहाड़ का पानी इस बांध में लाने का कब से आश्वासन हम लोग तो सुन रहे हैं जब से हम लोग को होश हुआ है तब तो से सुन रहे हैं राजस्थान सरकार भी रही है उस समय से भी मतलब यही समस्या चल आ रहा है अभी इसका कोई निवारण नहीं हुआ अब खेती करना बहुत कठिन हो गया है कठिन इस तरह से हो गया है कि पहले जो है पंद्रह साल पहले दस साल पहले हम लोग जो खाद बीज देते थे आसानी से मिलता था अब जो ही हम लोग खाद डालने के लिए तैयार हो जाएंगे कि खेत में खाद डालना है तो यूरिया खाद जो है मार्केट से आउट हो गया आउट ऑफ मार्केट ब्लैक चलने लगता है जो तीन सौ रुपये का बोरा आता है वो साढ़े तीन सौ को मिलेगा और उसके लिए हम परेशान है देना है अब एक हफ्ता के अंदर उसका टाइम है खाद दे देंगे टाइमली लेकिन नहीं मिला तो मजबूर होकर हमको पंद्रह दिन के बाद मिला तो दिए पहले टाइमली मिल जाता था अब दिक्कत है खाद उद का टाइम से नहीं मिल पाता है हम लोगों का मतलब अच्छी अच्छी तकनीक मतलब अच्छी जो बीज होती है नस्ल होती है वो हम लोग उपलब्ध नहीं कर पाते हैं हाँ पैसे के अभाव में महंगाई इतनी है कि हम लोग मतलब उसको ख़रीदने में असमर्थ हैं रसायन वसायन का छिड़काव तो समझिए कि न के बराबर होता है हम लोगों को फसल में इसलिए कि हम लोग बहुत छोटे हैं किसी तरह से ये कर लेते हैं वही ज़्यादा है अरे खर्च तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कुछ हम लोगों को समझ में नहीं आता है खा पीकर साल में हज़ार दो हज़ार पाँच हज़ार रुपया कर्ज ही में हम लोग रहते हैं जब फिर फसल तैयार होता है तो बेचते हैं तो उसका पाँच हज़ार रुपया कर्ज मान लीजिए दे देते हैं उसके बाद फिर कर्ज में हो जाते हैं लेकिन सही माने में तो फसल बीमा हम लोग तो मिलता नहीं है नुकसान होता है लेकिन नुकसान होने के बाद कैसे लोग सर्वे कर लेते हैं अपना कहाँ से कर लेते हैं हम लोग के बैंक खाते से तो मतलब तो कट जाता है पैसा लेकिन इसमें जो प्राइवेट कंपनियां जो है इंश्योरेंस कंपनी उन लोग को देना तो हाँ उनके माध्यम से होता है और यहाँ सर्वे करने में इतना लोग दिक्कत करते हैं कि सर्वे सही ढंग से हो नहीं पाता है और वो पैसा हम लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है अरे क्या सरकार के लिए कहा जाए सरकार तो कुछ कर रही नहीं गई है यहाँ तो सिर्फ प्रशासन और शासन यूज कर रहा है अपना मोदी सरकार कैसे काम कर रही है मोदी सरकार देश में जैसा भी काम कर रही हो आएगा तो बिहार में बिहार में जो आएगा उसका मतलब कुछ मिले तब तो वो तो कह रहे किसान क्रेडिट कार्ड पंद्रह दिन में मिल जाएगा कहाँ किसान कार्ड पंद्रह दिन में मिल रहा है क्रेडिट कार्ड मिल रहा है कहीं कहीं नहीं मिल रहा है हम एक बार बैंक में गए थे किसान क्रेडिट कार्ड मनवाने के लिए कुछ नहीं कहा कहकर हटा दिया कि पैसा नहीं है किसान क्रेडिट कार्ड है लेकिन इससे फायदा नहीं हो पाता है बहुत कम मिलता है पैसा बहुत कम फायदा होता है बैंक वाले इतना दौड़ा देते हैं इसमें कि आदमी को छोड़ देना पड़ता है तो अब तो सरकार ये बोल रही है कि खेती करना बहुत आसान हो गया ये लोन मिल रहा है वो लोन मिल रहा है ये मिलता भी है कि नहीं मिलता <laughs> लोन सरकार कह रही है कहने और करने में बहुत अंतर है हाथ आते हैं तो, तो कहीं कुछ है नहीं सब सब हवा में है हम तो फार्म डाले इंतजार कर रहे हैं कि किस चीज़ के लिए बकरी के लिए हाँ। बकरी फार्म बना भी चुके हैं हाँ। उसमें बकरी कुछ डाल चुके हैं हाँ। लोग बोले कि मतलब उधर उधर से पैसा लेकर हाँ। अपना बकरी फार्म डाले हुए हैं सोचे कि लोन मिल जाए तो ब्लॉक में, में गए तो लोग कह रहे हैं कि पहले बनवा लो फार्म उसके बाद लोन पास होगा तो हम बनवा लिए फिर भी फार्म डाले आज तक हम इंतजार कर रहे हैं डेढ़ साल हो गया नहीं मिला कुछ नहीं मिला कि किसानों के लिए बिल जो है आया है जो किसान कहीं भी अपना धान बेच सकते हैं उत्तर प्रदेश बंगाल दिल्ली कलकत्ता हर जगह जहां उचित मूल्य मिलेगा मतलब कि दाम मिलेगा वहां बेच सकते हैं लेकिन उस पर फिक्स नहीं किए हैं उसका रेट हम लेकर जाएंगे उत्तर प्रदेश वहाँ का जो है व्यापारी कहेगा कि नहीं हम पाँच सौ रुपया कुंटल लेंगे तो क्या करेंगे मजबूरी में दे देंगे अगर ये फिक्स कर देते सरकार हमारा कि अठारह सौ या उन्नीस सौ या दो हजार रुपया धान जो है लेना है व्यापारी को उससे कम मिलेगा तो उस पर केस होगा इस पर वो तैयार नहीं है सरकार तो वो तो अपने मनमाना लेगा तो हम लोगों के लिए वो और जो है बुरा हो गया हम लोग इधर बढ़िया उनिया को देते हैं अब तो अपने मनमाना लेगा सब अब उनका पावर मिल गया छूट हो गया उनके तो जैसा आपने सुना यहाँ पे लोगों के अंदर गुस्सा है लोगों लोगों जो किसान है यहाँ पे वो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो बार बार रेफरेंस आया जिस डैम का वो उसी डैम पे अभी हम खड़े हैं ये कोहिरा रिजर्वायर कहलाता है कोहिरा नदी है जो इन हम आप पीछे देख सकते हैं इन पहाड़ों से इन पहाड़ों से कोहरा नदी निकलती है और इसी नदी के पानी को ये डैम बना के रोका गया है और फिर ये पानी इन्हीं नहरों के थ्रू ये डैम से छोटी छोटी नहरें निकलती हैं इन नहर इन कैनल्स के थ्रू ये पानी पूरे इलाके में सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता है लोगों का ये कहना है कि ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है हमारे ठीक पीछे की तरफ वो कैमरे में कितना आ पाता है वो जो पहाड़ आपको दिख रहा है उसके उस पहाड़ के पीछे की तरफ से एक नदी गुजरती है जिसको लोड़सिन नदी कहते हैं उसका पानी बह जाता है उसका पानी किसी फार्मिंग के लिए या किसी खेती के लिए वो पानी का इस्तेमाल नहीं होता उसमें उसका पानी बर्बाद हो जाता बह जाता है लोगों का कहना ये है कि ये पहाड़ जो बीच में है जो इस इस नदी को इस कोहिरा रिवर को और उस लोरसी रिवर जो पहाड़ के उस साइड है दोनों को सेपरेट करती है ये पहाड़ इस पहाड़ को लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत सारे चुनावी वादे रहे हैं कि इस पहाड़ को तोड़ा जाएगा तोड़ के वो नदी को इस नदी से मिला दिया जाएगा ताकि जो हर साल पानी का भड़ाव होता है इस नदी में वो बढ़ सके वाटर लेवल बढ़ सके क्योंकि ये छोटी नदी है इसमें इतना पानी नहीं होता है इस डैम बनने के बाद भी जो इतना पानी इस नदी में नहीं होता है कि वो सालों भर उससे खेती की जा सके अगर वो पहाड़ तोड़ के ये नदी उस नदी को इसमें मिला दिया जाएगा तो इस नदी के आ, का वाटर लेवल बढ़ जाएगा और यहाँ पे जो इरिगेशन की प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है लेकिन अब तक लोगों का कहना है कि यह चुनावी वादों तक ही सीमित रहा है न्यूज क्लिक की इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका शुक्रिया